वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूरॉन। हम पढ़ रहे हैं इस न्यूरॉन को चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में, इनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, या कॉमनली इनको क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना न्यूरॉन का, तो ये 3 पार्ट्स का बना होता है। सबसे पहले जो पार्ट जो होता है वो सेल बॉडी होता है। ये डायग्राम मैंने बनाया है इसका न्यूरॉन का। ये वाला जो पार्ट जो होता है ये, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। तो इसके बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। हमेशा न्यूक्लियस के बाहर जो पोर्शन होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो सेल बॉडी होते हैं इसमें न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस को सराउंड क्या करता है, साइटोप्लाज्म। दूसरा पार्ट क्या होता है इस न्यूरॉन का, वो होता है एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है, जो न्यूरॉन होती है, एक न्यूरॉन में सिर्फ एक ही एक्सॉन प्रेजेंट होगा। तो ये एक्सॉन क्या होता है, ये प्रोपागेट करता है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का अभी आप लोग सिर्फ ये याद रख लीजिएगा, नर्व इम्पल्स का मतलब होता है मैसेज। क्योंकि न्यूरॉन से न्यूरॉन तक मैसेज पहुँचते हैं डिफरेंट ऑर्गेनस में, तो वो क्या होता है, यहाँ हम इसको नर्व इम्पल्स को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, इसको कैसे वो बनता है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्सॉन होता है ये प्रोपोगेट करता है नर्व इम्पल्स, नर्व मतलब मैसेज, फ्रॉम सेल बॉडी, मतलब इस सेल बॉडी से ये आएगा मैसेज। तो मैसेज कैसे आएगा, इस डेंड्राइट से आएगा। ये जो एरो मैंने बनाया है ना, तो यही से मैसेज आएगा। तो ये प्रोपोगेट जाएगा इस तरीके से, यहाँ ये वाला पूरा जो यहाँ पे जो ना ये पार्ट ही है एक्सॉन, इसके थ्रू चला जाएगा ऐसे ऐसे, फिर ये नीचे तक जाएगा और नीचे दूसरा एक्सॉन होगा ना, मतलब इस तरीके से मैं दिखा दूँगा। ये हो गया इसका, ये हमारा हो गया डेंड्राइट, और यहाँ पे जो होते हैं सेल बॉडी होती हैं। ये एक्सॉन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये अटैच होगा दूसरे एग्जान के साथ, वो होगा इस डेंड्राइट के साथ। तो डेंड्राइट इन एग्जान्स के साथ अटैच होके इस तरीके से, मतलब ये मैसेज हमारी बॉडी में, मतलब ये हमारे जो नर्वस टिश्यूज जो है वहाँ से ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। एग्जान जो होता है सिलेंड्रिकल होता है। ये जो होता है ना, यहाँ से ये पूरा जो बीच में जो होता है ना, इसी को बोलते हैं एग्जान। तो ये सिलेंड्रिकल होता है, और अगर हम देखेंगे ये सेल बॉडी होता है यहाँ पे, ये सेल बॉडी से जब एक्सॉन अटैच हो जाता है तो वहाँ पे एक कोन स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके का। तो ये जो कोन स्ट्रक्चर जो बनता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। तो ये जो एक्सॉन जो होता है, इसकी कवरिंग होती है बाहर से, जिसको बोलते हैं माइलियन शीथ। मतलब ये क्या होता है, माइलियन शीथ क्या करता है, इंसुलेटिंग मतलब मटेरियल होता है। क्योंकि अगर एग्जाम दूसरे एग्जाम, ये माइलियन शीथ नहीं होगा, एग्जाम दूसरे एग्जाम के साथ मतलब मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट उसमें हो जाता है तारों में, इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये कैसे इनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं। तो ये जो माइलियन शीथ जो होता है, इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं शिवान सेल्स। तो ये जो वाला, ये इनने जो लाल से बनाया है, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस शिवान सेल का ही न्यूक्लियस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है SC, SC का मतलब होता है शिवान सेल। तो इस जो एलिवेशन यहाँ पे होगा, इसको बोलते हैं एग्जॉन हिलॉक। और इसके जो एग्जॉन के, यहाँ से एग्जॉन स्टार्ट हो गए यहाँ तक, इसके जो एंड ब्रांचेस जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं एग्जॉन टर्मिनल। तो एग्जॉन टर्मिनल के जो कुछ पोर्शन जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये स्वेलिंग यहाँ पे दिख रहा है एग्जॉन टर्मिनल की। तो ये स्वेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कुछ केमिकल्स इनमें आ जाते हैं। तो वो जो केमिकल्स जो होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, यहाँ पे मैंने लिखा है। क्योंकि ये बॉडी के अंदर बनते हैं ना, बॉडी से बाहर तो नहीं आते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एंडोजेनस केमिकल्स। तो यहाँ से ये जो केमिकल्स बने हैं ना इनमें, ये स्वेलिंग में, तो यही क्या करते हैं, न्यूरॉन एक न्यूरॉन
से दूसरे न्यूरॉन तक ये मतलब कम्युनिकेट करते हैं। न्यूरॉन एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं ये इन्हीं केमिकलों से कर देते हैं, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं, तो यही फिर सिग्नल कहाँ से पहुँचाएंगे दूसरे न्यूरॉन तक, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से। तो अगर हम देखेंगे ये जो होता है ना, जब डेंड्राइट के साथ ये अटैच हो जाएगा दूसरे दूसरे न्यूरॉन के, अटैच नहीं हो जाता है, थोड़ा सा गैप रहता है, लेकिन उस एरिया को वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्नैप्स। तो ये स्नैप्स ऐसा मतलब रीजन होता है जहाँ से एक न्यूरॉन जो होता है ना दूसरे न्यूरॉन के साथ ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं मतलब ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस एरिया को बोलते हैं स्नैप्स। तो ये हमने पढ़ा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी पढ़ा हमने, और ये इनको क्या बोलते हैं जो यहाँ पे स्वेलिंग होते हैं जिनमें ये केमिकल्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्नैप्टिक एंड बल्ब। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है इन इस न्यूरॉन का वो होता है डेंड्राइट्स। जैसे नाम, इस डेंड्राइट का नाम जो होता है ना इसका मतलब क्या होता है, लिटिल ट्री। अगर आप इस यहाँ से देखेंगे ना ये ऐसे ऐसे होता है, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये सेल बॉडी हो गया, ये ऐसे ऐसे मतलब पेड़ के जैसे बनता है, एक छोटे पेड़ की तरफ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिटिल ट्री। तो दूसरा क्या होता है, ये रिसीव करता है या इनपुट, या इनको बोलते हैं रिसीविंग या इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है ना ये दूसरे न्यूरॉन से मतलब मसे जो होते हैं ना यही कलेक्ट करेंगे, यही डेंड्राइट्स, इसलिए इनको बोलते हैं रिसीविंग पोर्शनज या इनपुट पोर्शनज ऑफ न्यूरॉन। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।